साक्त प्रमोद नाम की पुस्तक महाविद्या साधना की सबसे प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। सबसे इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस पुस्तक का जो समस्त रूप में संकलन है वो, और इसकी जो आरंभिक पांडुलिपि है वो बेतिया राज से प्राप्त होती है। बेतिया राज ने तंत्र के ऊपर क्यों कार्य किया, इसको यदि हम संक्षेप में समझें तो ये कारण था आत्मरक्षा का सिद्धांत, राज रक्षा का सिद्धांत, और उसके लिए अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने की आवश्यकता। मुगल काल में या संपूर्ण मुस्लिम आक्रमणों के काल में बेतिया राज की एक घोषणा बहुत महत्वपूर्ण घोषणा मानी जाती है, जिसका उल्लेख रियासत उल सलातीन नामक पुस्तक में किया गया है। बेतिया के राजा अग्रसेन ने यह घोषणा की थी कि उनके राज्य में कोई मुस्लिम आमिल, नायब, तालुकादार, इक्तादार, मनसबदार और जागीरदार प्रवेश नहीं कर सकता है और उनकी जनता को आप्त और संतरस्त नहीं किया जा सकता है। संपूर्ण मुस्लिम शासन काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभिक शासन काल के दौरान बेतिया ने अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए सशस्त्र सैनिक संघर्ष को जन्म दिया, और बेतिया के राजा युगल किशोर सिंह प्रथम राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता को 1764 के बक्सर युद्ध के बाद चुनौती प्रस्तुत की थी। ऐसा माना जाता है कि बेतिया की इस आत्मशक्ति का कारण ये साक्त प्रमोद नामक पुस्तक थी, जिसमें महादेवी महाविद्या और 10 महाविद्या की आराधना थी। बेतिया राजा ने कभी बौद्ध शक्तियों का भी विरोध किया था और इसीलिए सर्व बौद्ध विनाशिनी देवी बगलामुखी का भी उन्होंने उपासना किया। बेतिया के राजा ने सबसे पहले परशुराम मंदिर को बनवाया, जो ब्राह्मण गौरव के प्रतीक माने जाते हैं, और समस्त ब्राह्मण वर्ग के लोग उन्हें अपना पितृपुरुष और बीजी पुरुष के रूप में जानते हैं। बेतिया के राजा ने ही हिंदू धर्म के 33 कोटि और ज्ञात रूप से प्रचलित सभी देवताओं और लोक देवताओं के एक विराट मंदिर का निर्माण किया। सनातन धर्म के प्रतिरक्षा में बेतिया राजा का योगदान सर्वथा वंदनीय है।